वेलकम गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा करा था कि मैं ऑक्टिक एक्सपो 2022 में जाऊंगा और मैंने विजिट करा, तो इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हमने ऑप्टिक एक्सपो 2022 में कौन कौन से ब्रांड्स आए थे, उनसे हमने किस टाइप से इंटरेक्शन करा, हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। तो आइए चलते हैं ऑप्टिक एक्सपो 2022 में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कम्प्लीट फेयर लगा था इंदौर शहर में, और यहाँ पे हमें बहुत से नए नए ब्रांड्स, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू मशीनरीज देखने को मिली। तो आइए आगे आगे मैं आपको सब एक एक चीज़ बारीकी से दिखाता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़े तो हमें एक मशीनरी वो देखने को मिली जो कि थी फुल्ली ऑटोमेटिक चेयर, जिसमें कि आप लोग कस्टमर को बिठा के आराम से आई चेकअप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे, मैंने पूछा कि ये कितने की क्या मशीनरी, तो उन्होंने बताया 5-6 लाख रुपए की मशीन है, ये पूरी ऑटोमेटिक है। और मैंने पूछा कि ये इतनी महंगी क्यों है, तो उन्होंने बोला ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट होता हो जाती है इस टाइप से। तो मैंने मनी मन में सोचा कि भाई हमारा तो बहुत से गाँव वाले आते हैं, अगर हम लोग 5 लाख की चेयर पर उनकी आई टेस्टिंग करेंगे तो वो आई टेस्टिंग तो कम करवाएंगे, उसके बाद आराम ज़्यादा करेंगे। तो मैंने सोचा अपने तो कोई काम की नहीं, वगैरह जो रहते हैं उनके काम की है। तो अब नेक्स्ट जो सबसे जोरदार चीज़ लगी वो थे चश्मों के स्टैंड्स। तो आपको जो लाइट वाले जितने भी चश्मे दिख रहे हैं, ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 4-4.5 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं ये सभी, और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं आपकी शॉप पर, तो आप लोग भी इन्हें खरीद सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर सभी लोग आए। तो हाँ, ये इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये जो आपको देख रहे हैं कैमरा में, ये मेरे सब्सक्राइबर है जो कि खास मेरे से मिलने के लिए गुजरात से आए थे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर हमसे खुशी से मिलते हैं। तो तो गाइस, दूसरी जो सबसे जोरदार चीज़ थी वो थी ये फुल्ली ऑटोमेटिक आई टेस्टिंग मशीन। आप लोग मानोगे नहीं, ये 14 लाख रुपए की मशीन है, इसमें पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आप लोगों को ये मीटर दिखा है, इसमें ऑटोमेटिकली नंबर आ जाता है, जैसे ही कस्टमर बैठता है उसके बाद हमें कोई आँखों को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मशीन ऑटोमेटिकली आँखों को अपनी तरह से एडजस्ट कर लेती है और नंबर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद हमें मैनुअल करने की जरूरत भी नहीं, उसके लिए भी एक ऑटोमेटिक मशीन दे रखी है। तो ये मुझे बहुत ही शानदार लगी। यही फ़ायदा होता है ऑप्टिक एक्सपो में जाने का, कि आपको न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू इनोवेशन अपने इंडस्ट्री के देखने को मिलते हैं। तो मैं भी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जब भी आपको मौका मिले बिल्कुल समय निकाल के जाइए। इस मशीन को देखने के बाद हम लोगों ने फोटोज़ वगैरह खिंचाए कुछ मॉडल्स के साथ, वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आए थे, उसके बाद हमने फ़ोटो खिंचाए। देन इसके बाद हमारा लंच टाइमिंग था 2 से 3, तो हमने उसमें लंच भी करा। खाने में हमें बढ़िया सा एक लंच मिला, जिसमें कि उन्होंने कुछ पूड़ी, कुछ सब्जी और साथ में गुलाब जामुन, इस टाइप का कुछ बढ़िया था। अब हमारे सबसे मेन पार्ट पर आते हैं वीडियो की, जो थी मशीनरीज, जो कि आप लोग कमेंट में बहुत सी बार पूछते रहते थे कि होलसेल मशीनरीज़ वगैरह कहाँ से कर रहे थे। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप भी एक्सपो 2022 में आइए, वहाँ पर सभी जवाब आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ मिरर थे, ये मैनुअल करने के लिए चार्ट वगैरह देखने के लिए था, और ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर, और उसका टेस्टिंग मशीन, और उसके बाद कटिंग मशीन, फिटिंग मशीन, सभी तरह की ऑटोमेटिक मशीन, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी थी सभी अभी अवेलेबल वहाँ पर देखने को थी। तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड करा था कि आप भी एक बार ज़रूर आइए। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. हाँ तो फ्रेंड्स, मुझे ये कुछ इंपॉर्टेंट मशीन्स देखने को मिली, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये है सुपरा मशीन, जिससे कि सुपरा फ्रेम बनती है, ये है कटिंग मशीन, और ये है अपना
IPT टेस्टर, और देन ये जो है ये फिटिंग मशीन है, ये आप सब लोग जानते होंगे, ये सबसे कोने में जो पड़ी है ये है 3-पीस मेकिंग मशीन, मतलब कि विदाउट फ्रेम जिसमें चश्मा बनता है, जिसमें ग्लासेस के होल होते हैं, कटिंग होती है, उसके लिए जो कोने सबसे पड़ी है ये मशीन काम आती है। बीच में इसके पास जो है ये जो हाथ करके दिखा रहा हूँ ये सुपरा फ्रेम की मशीन है, जिसमें कि सुपरा फ्रेम जो हाफ फ्रेम रहती है डोरी वाली उसकी ग्रिप बनती है। तो इस तरीके की सभी मशीनरी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। IPD टेस्टर लेंसेज क्लीनर सॉल्यूशंस वगैरह सभी देखने को मिला। हमने भी 2-4 पैकेट लेंसेज के खरीदे क्योंकि हमें इन कंपेरिजन मार्केट बोर्ड थोड़े सस्ते लगे थे, तो हमने 4-5 पैकेट इसके लेंस क्लीनर के भी उठा लिए थे। हेलो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का था छोटा सा वीडियो जिसके ऊपर ऑप्टिक एक्सपोर्ट 2022 का मैंने कुछ ओवरव्यू देने की कोशिश करी। आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया होगा मैं ये उम्मीद करता हूँ, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो देखने जाते हैं। हाँ तो गाइस, अगर आपके भी चश्मे की दुकान है या खोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ मैंने पहले भी बना रखी है।